हेलो एवरीवन, आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप से दिखती है। तो हम सबसे पहले लोअर वर्टिब्रेट से सॉरी लोअर कॉर्डेट से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले साइक्लोस्टोम, जो लैम्प्रे होते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिज्म है, उसमें बिल्कुल सिंपल टाइप की एलिमेंट्री कैनाल होती है। ऊपर की तरफ इसमें ये देखिए ईसोफेगस है, और इसमें कोई भी बैंड नहीं है या किसी भी टाइप के कर्व्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, और सीधे जाकर के डायरेक्टली ये क्लोएकल अपर्चर में ओपन हो रही है। अब यहाँ पर सेकेंड डायग्राम जो दिया गया है ये गार फिश का है, यानी फिशेज़ में हम देखें तो थोड़ा सा स्टमक के बाद में, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक बेंड होता है, जिसे ड्यूडेनम के फॉर्म में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है आकर के अटैच होती है। इसके अलावा इसमें एक पाइलोरिक सीका भी प्रेजेंट होती है। इसके जो जो पाइलोरिक स्टमक वाला पोर्शन है वहाँ पर एक सीका के फॉर्म में यहाँ पर स्टमक होता है। फिर इंटेस्टाइन भी इसकी सिंपल टाइप की होती है, और इसमें सिर्फ एक ही जो स्पाइरल बैंड है वो पाया जाता है, उसके अंदर स्पाइरल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, और ये भी पीछे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन और से होती हुई क्लोएकल अपर्चर की तरफ ओपन हो जाती है। थर्ड हम चलेंगे अपने जो कि शार्क, यानी जो इलास्मोब्रांक्स हैं, जो कॉन्ड्रैक्टाइल फिशेज हैं, इनमें किस टाइप का ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू दीज टू, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। जो स्टमक है वो यहाँ पर थोड़ा सा चैम्बर्ड होता है या डिविजिबल होता है दो चैम्बर्ड में, जिसमें ऊपर की तरफ ये जो है ये कार्डियक स्टमक वाला पोर्शन है, और नीचे की तरफ यहाँ पर ये पाइलोरिक स्टमक वाला पूरा पोर्शन होता है। इसके बाद जो इन दोनों स्टमक के बीच में एक स्पेशल फीचर्स, यहाँ पर एक ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होता है, यानी एक ब्लाइंड सैक लाइक पोर्शन इनके स्टमक में पाया जाता है। फिर ये जो स्टमक है ये इनमें यू शेप का होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यू शेप का इनमें स्टमक दिख रहा है, सॉरी यू शेप का जो इसका पाइलोरिक स्टमक है वो यू शेप का है। अगर पूरे ओवरऑल स्टमक की बात करें तो इसमें जे शेप का ये स्टमक देखने को मिलता है। स्टमक पीछे की तरफ ड्यूडेनम में ओपन होने के पहले भी एक इसमें स्फिंक्टर या एक वॉल प्रेजेंट होता है, जिसे हम पाइलोरिक वॉल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये मस्क्यूलर वॉल्व होता है जो कि जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। अगर इसके इंटेस्टाइन की हम बात करें तो इंटेस्टाइन स्पाइरल होती है, क्योंकि इसके इंटेस्टाइन के अंदर जो छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पाइरल वॉल्व कहते हैं। तो जो भी फूड है वो यहाँ से होता हुआ इस वॉल्व के थ्रू यहाँ से आगे की तरफ एंटर करता है, तो ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर फैसिलिटी है। और ये छोटे छोटे काफ़ी सारे वॉल्व होते हैं जो फूड के जो भी डाइजेस्ट फूड है उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन है ये पीछे की तरफ रेक्टम में ओपन होती है, और इससे एक ग्लैंड भी अटैच होती है जिसे हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। और ये सब के सब जा करके जो कि क्लोएका वाला जो एक पोर्शन है वहाँ पर ओपन होती है, और क्लोएकल अपर्चर के थ्रू सब कुछ जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, या जो भी एक्सक्रीटा है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अब एम्फीविया की अगर हम बात करें, फ्रॉग की, तो ये थोड़ा सा और एडवांसमेंट इसमें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टमक तो यहाँ पर सिंपल ही है, और ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो पाइलोरिक स्टमक वाला पोर्शन है वो एज़ कम्पेयर टू जो कार्डियक स्टमक है वो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होता है। और अगर इसके हम इंटेस्टाइन की बात करें तो ये काफ़ी एडवांस होती है। आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा इसमें कॉइलिंग प्रेजेंट है और कितने सारे पोर्शंस में ये डिवाइड है। तो इस इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है दैट इज़ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से आगे चल करके एक कॉइलिंग के फॉर्म में ये जो लॉन्ग पोर्शन होता है इसे हम इलियम कहते हैं, और इलियम पीछे की तरफ जा करके रेक्टम का फॉर्मेशन करता है, और जहाँ पर रेक्टल ग्लैंड अटैच हो सकती है।
और इसी के साथ ये आगे बढ़ता है क्लोएकल क्लोएका की तरफ या क्लोएकल अपर्चर की तरफ, और साथ ही इसी में जो यूरिनेशन की जो ट्यूब है वो इसी में आकर के अटैच होती है। मतलब एक कोई इसमें यूरिनेशन के लिए कोई अलग से पोर या अपर्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ये सेम जो क्लोएकल अपर्चर है यहाँ पर यूरिनेशन का काम भी करता है। तो ये तो बात थी हमारे लोअर कॉर्डेट्स की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, तो रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो ईसोफेगस है छोटा होता है, यानी इनके फेरिंग्स वाला पोर्शन भी छोटा होता है, कि ये टेट्रापोड्स होते हैं तो इनका फेरिंग्स वाला पोर्शन काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर्स टू अदर्स। तो ये पीछे की तरफ देखिए, इनके स्टमक के शेप की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से यू शेप का होता है, यानी बेंड होता है स्टमक, और स्टमक भी दो पोर्शंस में डिवाइडेड होता है कि पाइलोरिक सॉरी कार्डियक एंड पाइलोरिक में। पीछे की तरफ जो स्टमक है वो जाकर के ड्यूडेनम में ओपन होता है, और कॉइलिंग देखिए यहाँ पर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें इंटेस्टाइन का। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ये जो इंटेस्टाइन का नीचे वाला पोर्शन है ये कोलोन वाला पोर्शन है जो काफ़ी लॉन्गिट्यूडिनल है, और इसमें ही एक इलियोकोलिक जो सीकम होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्पेशल डाइजेशन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है। पीछे की तरफ जो इंटेस्टाइन है जाकर के अब वहीं रेक्टम में ओपन होती है, और रेक्टम से होती हुई सीधे क्लोएका और क्लोएकल अपर्चर से जो भी एक्सक्रीटा है उसको बाहर कर दिया जाता है। यहाँ रेप्टिलियन में हमने एक टर्टल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम बर्ड्स की अगर हम बात करें, जो सीड फीडिंग बर्ड्स होते हैं, हमने पहले भी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि इनमें किस तरह से इनके ईसोफिगस में एक मॉडिफाइड क्रॉप ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जी हाँ, ये मॉडिफाइड जो क्रॉप ग्लैंड है ये प्रोलेक्टिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि यंग वंस को यहाँ से बाहर की तरफ एक मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, जो कि हमने पिजन में पढ़ा हुआ है, पिजन्स मिल्क भी हम जिसे कहते हैं उसका सिक्रीशन ये करते हैं। अब ये ईसोफेगस का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ईसोफेगस से पीछे की तरफ ये जो स्टमक वाला पोर्शन है जिसे हम यहाँ पर प्रोवेंट्रिकुलस कहा गया है, इस पे देखते हैं हम कि इसके नीचे की तरफ जो है एक गिजार्ड वाला पोर्शन होता है, क्योंकि ये सीड फीडिंग बर्ड्स होते हैं और इनकी बीक में किसी भी टाइप के टीथ नहीं प्रेजेंट हो सकते। सो ओवरऑल इनको डाइजेशन के लिए एक स्पेशल मतलब फैसिलिटी चाहिए ताकि ये उन सीड्स को इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो ये गिजार्ड यहाँ पर जो है मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू उनका मेस्टिकेशन करने का काम भी करता है। स्टमक में कोई ज़्यादा डिस्टिंक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कोई डिस्टिंक्ट टाइप का स्टमक इसमें हमें देखने नहीं मिल रहा है। हमने इसे प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड के नाम से यहाँ मेंशन किया है। फिर चलते हैं हम यहाँ पर ड्यूडेनम की तरफ, पीछे की तरफ जो इंटेस्टाइन का प्रीवियस पोर्शन है, और फिर इसके बाद इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन या जो इलियम वाला ये लॉन्ग पोर्शन है, ये पीछे की जा करके इसके दो एक पेयर्ड सीका से अटैचमेंट होती है यहाँ पर, जो पेयर्ड सीका के बाद वाला पोर्शन रेक्टम है और क्लोएका है, और यहाँ पर एक बर्सा ऑर्गन है जो कि आ करके इसी सेम क्लोएकल अपर्चर पे अटैच होता है, और इनकी जो एक कॉमन अपर्चर है जो बहुत सारे मल्टीपल थिंग्स को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं मैमल में, तो ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल लेंगे हम, तो इसका तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें जे शेप का स्टमक पाया जाता है, और जो स्टमक है पीछे की तरफ ड्यूडेनम में ओपन होता है, यहाँ पर एक पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन होता है, और यहीं पर इस ड्यूडेनम में ही जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है यानी जो लेवर के जूसेज हैं, पैनक्रियास के जूसेज हैं, आकर के यहीं पर सिक्रीट किए जाते हैं। देन इसके बाद वाला जो पोर्शन आता है वो इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम के बाद, तो इंटेस्टाइन भी इनकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इनमें इलियम होता है, और इसके बाद सीकम वाला ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसकी इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से ये होता है जो कोलोन वाला पोर्शन है, और फिर ये अल्टीमेटली जा करके
रेक्टम में ओपन होता है, और रेक्टम यहाँ पर जा कर के एनस में ओपन होता है, और इस ओपनिंग में किसी भी टाइप के यूरिनरी जो पोर्शन है उसका अटैचमेंट नहीं होता, मतलब एक एक तरह से एक कॉमन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये डाइजेस्टिव जो एक्सक्रीटा है उसको रिमूव करने का काम यहाँ से करती है, इसके अलावा इसका कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं होता है। तो ये था कंपैरेटिव एनालिसिस सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं इसके बारे में आपको पहले ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं कि ऐसी कुछ ग्लैंड्स जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में तो कहीं प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब उनके बिना डाइजेशन हो पाना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है लिवर और पैनक्रियाज एक्सेट्रा। तो हम सबसे पहले लिवर की बात करें तो लगभग सभी टाइप के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हमें ये लिवर देखने को मिलता है, बस इसकी जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है वो थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इट अराइजेज एज अ सिंगल और डबल वेंट्रल डाइवर्टिकुलम। तो एक सिंगल या डबल डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में ये वहाँ से ओरिजिन होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक ड्यूडेनम का वाला पोर्शन होता है, जो ड्यूडेनम के पास से इसका ओरिजिन होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। इसके अलावा जो जो लिवर बड है जिसे हम रूडिमेंट कहते हैं, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर लेता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में। तो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट्स में ये बाद में डिवाइड होना शुरू कर देता है। और जो काफ़ी सारे लिवर के जो लोब्स हैं इन्हीं डिवीजन के कारण वहाँ पर फॉर्म हो पाता है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर पार्ट है, जिसे यहाँ पर एंटीरियर पार्ट की बात की गई है कि ऊपर वाला भाग होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है उसी से जो लिवर के जो साथ में रहने वाले इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर है या सिस्टिक डक्ट है या जो कॉमन बाइल डक्ट है जो बाइल जूस को कैरी करने का काम करती है, वो उसका ओरिजिन ये वाले पोर्शन से होता है, यानी लिवर के पोस्टीरियर पोर्शन से वो उनकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो लिवर होता है वो ड्यूडेनम में जा करके बाइल जूस को जो बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस को देने का काम करता है। अगर इसके लोब्स की हम बात करें तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकती हैं, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में लोब्स के नंबर्स उन डिपेंड करते हैं उसके मेटाबॉलिज्म पर कि किस तरह से वो उसको डाइजेशन करना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। कलर की भी वेरिएबिलिटीज़ दिखती है। अगर टेलियोस्ट की बात करें तो उनमें कई बार ग्रीन, येलो, ऑरेंज या ब्राउन या रेड कलर का जो लिवर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर की जो भी जो एक्सक्रीटरी डिस्चार्ज के कारण हो सकता है या अलग टाइप के ब्लड कलर के कारण भी होता है। अगर ट्रू लिवर की हम बात करें तो प्रोटोकॉर्डेट्स यानी उनमें किसी भी टाइप का एक ट्रू लिवर नहीं दिखता है। जो लिवर का एक प्रिमिटिव फॉर्म होता है वो एम्फियोक्सिस में देखने को मिलता है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जिसे हम हेपेटिक सीकम कहते हैं। तो ये वहाँ पर अनडेवलप्ड फॉर्म में होता है, यानी कोई ट्रू लिवर नहीं होता है। इसके अलावा जो एसीडियंस हैं उनमें भी इस टाइप के जो हेपेटिक सीकम ही फॉर्म होता है, कोई पर्टिकुलर लिवर नहीं होता है। साइक्लोस्टोम की अगर हम बात करें तो इनमें काफ़ी स्मॉल लिवर होता है, सिंगल लोब्ड होता है, और जबकि फिशेस में ये दो लोब्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो हैग फिशेस की हम बात करें तो लैम्प्रे में ये सिर्फ सिंगल लोब्ड है, बल्कि हैग फिश में दो लोब्स इसमें पाई जाती हैं। लिवर जो है इलॉन्गेटेड होता है, नैरो और सिलेंड्रिकल होता है फिशेज़ में, यूरोडेल्स में और स्नेक्स में। स्नेक की तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो लिवर है काफ़ी लंबा वहाँ पर होता है, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी बॉडी ही लेंथ होती है, जबकि देखा जाए तो शॉर्ट या ब्रॉड या फ्लैट टाइप का ये बर्ड्स और मैमल में देखने को मिलता है। तो इसके शेप की ये बात हमने की थी, और ये जनरली जो इलास्मोब्रांक है उनमें भी ये वाइलोब्ड होता है, यानी उसमें दो लोब पाई जाती हैं या कई कई बार
तीन लोब भी देखने को, अगर हम टीलियोस्ट की बात करें तो उनमें तीन लोब्स तक प्रेजेंट हो सकती हैं, और एक मैमल की बात करें तो इसमें कई लोब्स तक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाती है। ह्यूमन की बात करें तो उनका लेवल तीन लोब्ड होता है, यानी ट्राई लोब्ड होता है ह्यूमन्स बीइंग्स में। इसके अलावा काफ़ी सारे मैमल्स हैं जिनमें काफ़ी सारे लोब से मिलकर के इनका लिवर बना हो सकता है। अगर इस लिवर की हम बात करें तो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनका लिवर काफ़ी लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोरस एनिमल के। तो लिवर के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक स्पेशल टाइप का जूस को फॉर्म करने, सिक्रीट करने का काम करती हैं, जिसका नेचर एल्केलाइन होता है, जिसे हम वाइल जूस कहते हैं। और इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इस सिक्रीशन का जो भी ये सिक्रीट किया जाता है, ये फॉर्म किया जाता है, ये सिक्रीशन, उसका जो स्टोरेज है वो गॉल ब्लैडर के अंदर किया जाता है। ये जो गॉल ब्लैडर वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर रीजन से जो ओरिजिन हुआ है, उसके अंदर इसको स्टोर करके रख लिया जाता है, और ड्यूडेनम पर जैसे ही इसकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से इसको जा करके रिलीज़ किया जाता है। तो इस बाइल जूस में काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टमक से आए हुए अभी जो अनडाइजेस्टिड फूड है उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने का काम करते हैं, क्योंकि इसका नेचर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एल्केलाइन टाइप का होता है, जो उसके एसिड को किल करने का काम करता है, और लिक्विड फूड को जो काइम के फॉर्म में आगे जो इंटेस्टाइन है उसकी तरफ ये बढ़ाना शुरू कर देता है जो कि। और इसके अलावा ये कई सारे जो फैट्स हैं उनके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, और उनको एब्जॉर्ब कराने की जो कैपेसिटी है उनको इन्हेंस करता है, ताकि जो भी ये इम्पॉर्टेंट टाइप की जो फैट्स हैं वो बॉडी के थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाएं और सीधे बाहर ना निकलें एक्सक्रीटा के फॉर्म में। इसके अलावा लिवर की हम बात करें तो लिवर हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिनमें से कुछ इनके जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, यानी जो एक अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी ये कार्य कर सकता है। और जो गॉल ब्लैडर की बात करें हम, जो गॉल ब्लैडर हम बोल रहे थे जो बाइल का स्टोर करने का काम कर रहा था, तो ये सभी में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जो लैम्प्रेज हैं, या कुछ जो बर्ड्स हैं, या कुछ मैमल्स हैं जैसे रैट, हायरेक्स, वेल, और जो एरेक्टोडेक्टाइला या पेरेसोडेक्टाइला के एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। गॉल ब्लैडर इज़ नॉट एसेंशियल एंड कैन बी रिमूव सर्जिकली विदाउट एनी हार्म। इतना कोई एसेंशियल ये बॉडी का पोर्शन नहीं होता है, मतलब इसके बिना भी जो कोई एक बॉडी है वो सरवाइव कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ पर एक स्टोरेज की तरह फंक्शन करता है, तो जब रिक्वायरमेंट होती है तो इसे सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है। सेकंड, हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दैट इज़ पेनक्रियास, जो कि एग्जोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करने के लिए कैपेबल होती है। इसका जो कॉन्सेंट स्ट्रक्चर है वो सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में ये जनरली हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, मतलब लिवर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का जो ओरिजिन है वो भी जो एक या दो जो डाइवर्टिकुलम राइज होते हैं लिवर के, जो बड बन जो लिवर का बड फॉर्म होता है प्रीवियस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उससे इसका फॉर्मेशन होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रूफ किया गया है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। और जो एक डॉर्सल डाइवर्टिकुलम है एम्ब्रियोनिक ड्यूडेनम का, उन दोनों के फॉर्मेशन से ये जो पेनक्रियाज है वहाँ पर फॉर्म होता है, यानी एक या दो जो वेंट्रल डाइवर्टिकुला हैं लिवर बड के, जो लिवर बड से बने हैं, और एक जो डॉर्सल जो डाइवर्टिकुलम है
जो कि ऊपर की तरफ से बना होता है, इनके फॉर्म हो जाने से वहाँ पर पेनक्रियास बन जाता है। इट इज़ एंडोडर्मल इन ऑरिजन, मतलब ये एंडोडर्म से ऑरिजन, इसकी उत्पत्ति जो है एंडोडर्म से होती है। और ये जो कि आर्केंटरॉन जो कैविटी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उससे इसकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो डिस्टल पोर्शन होते हैं वो काफ़ी सारे ग्लैंड्स को बनाने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो पेनक्रियाज है वो डुअल नेचर की तरह एक्ट कर सकता है, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह वहाँ पर एक्ट कर सकता है। तो पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो ये दो पोर्शंस में डिवाइड होती है, जिसमें जो डॉर्सल है और वेंट्रल वाली जो इसकी प्रोसेस है उसमें ये डिवाइड होती हैं और डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स को बियर करने का काम वहाँ पर करती हैं। जो दोनों के दोनों जो लोब्स हैं, यानी जो डॉर्सल या वेंट्रल जिनकी हमने बात की, वो फिशेज में जनरली यूनाइट हो जाते हैं और एक सिंगल ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। और जो इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है डाइवर्टिकुला का, वो पेनक्रियाटिक डक्ट को फॉर्म करने का काम करता है। यानी एक यहाँ पर भी एक डक्ट होती है जिसे हम पेनक्रियाटिक डक्ट्स कहते हैं, जो लाइफ टाइम परसिस्ट करती है, मतलब कभी भी इनका जो कभी भी ये वहाँ से रिमूव नहीं होती हैं। ये जो डक्ट है ये रिड्यूस हो सकती है या फ्यूज़ हो सकती है, कई बार ये जो एक कॉमन बाइल डक्ट है उससे भी ये फ्यूज़ हो जाती है। तो इसकी अपीयरेंस वहाँ पर समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम परसिस्ट करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। ये जो सारी की सारी डक्ट है हमने पहले ही जानते हैं कि जो है स्टमक के बाद वाले जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओपनिंग के लिए एक प्लेस मानी जाती है, वहाँ पर जा कर के ओपन होता है। अगर ये जॉइंट हो चुकी है उससे, जो कॉमन बाइल डक्ट है, तो जॉइंटली जा कर के वहाँ ओपन होगी, अदरवाइज़ ये सेपरेटली वहाँ पर ओपन हो जाती है। पैनक्रियास का यहाँ पर दिया हुआ है कि डबल रोल होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, जो कि काफ़ी सारे एंजाइम्स को और सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू और ड्यूडेनम में ले जाता है, जबकि ये पार्शियली एंडोक्राइन के थ्रू भी, जिसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर इंसुलिन। अगर इसके सिक्रीशन में कोई जो कमी आती है या कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो इससे जो डायबिटीज़ कॉज हो सकती है और वो आगे फर्दर टाइप 2 डायबिटीज़ को भी लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नो पैंक्रियाज इज़ प्रेजेंट इन लैंसलेट, लैंसलेट में कोई भी पैंक्रियाज नहीं पाया जाता है। लैम्प्रे और कुछ टीलियोस्ट या लंग फिशेज और लोअर टेट्रापोड्स में ये क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी लिवर के अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है या लिवर वॉल से अटैच हो सकता है, और जनरली वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अपोजिट अगर हम इलाज्मो ब्रेंक्स की बात करें, या जो हायर टेट्रापोड्स हैं जितने भी सारे, उनमें पेनक्रियाज बहुत अच्छे से डेवलप होता है और जनरली जो है सेपरेट फॉर्म में ही पाया जाता है। तो ये एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो लिवर है, गॉल ब्लैडर है या पेनक्रियाज है, किस तरह से ये ओरिजिनेट होते हैं। हालांकि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह से एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये सारी की सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये ईसोफेगस है आगे की तरफ, और ये स्टमक वाला पोर्शन है, और स्टमक के जस्ट बाद जो पोर्शन आता है उसे ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। तो यही जो अब ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, इस पे एक जो पेनक्रियाटिक बड है, ये बड की ओपनिंग आ करके यहाँ पर फ्यूज़ हो रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं ये जो पूरा का पूरा है नीचे की तरफ, ये लिवर वाला पोर्शन होता है। इस लिवर वाले पोर्शन में जो है एक लिवर बड फॉर्म होता है, और लिवर बड के जो नीचे वाले पोर्शन से या जो लोब्स हैं वहाँ पर हेपेटिक डक्ट्स बन जाती हैं। ये डक्ट्स कॉमनली जा कर के एक कॉमन बाइल डक्ट पे अटैच होती हैं, ठीक है।
इस तरह से ये काम करता है। एक इसी लिवर का जो एक वेंट्रल वाला पोर्शन है वो जा कर के एक बड के फॉर्म में यहाँ जाता है, बाद में ये यहाँ से अटैच हो कर के एक पूरा का पूरा पेनक्रियाज फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ही एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है, बाद में ये इस तरह से हो जाता है। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये गॉल ब्लैडर को ओरिजिन कराती है, यानी जो भी लिवर से सिक्रीट होने वाले जो भी जूसेस हैं वो जा कर के यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। स्टोर होने के बाद जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसको यहाँ से रिलीज़ करके कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जा करके ड्यूडेनम तक पहुँचाया जाता है। जो भी यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड है उसका ये एसिडिटी को कम करते हैं, साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स को वहाँ प्रोवाइड कराने का काम ये कर पाते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है। अगर कंपैरिजन की बात करें हम, तो हमने देखा कि कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें जनरली ये फ्यूज़ होता है। फिशेज़ में भी हमने देखा था, कई बार हमने इसे नाम पढ़ा हेपेटो पेनक्रियाटिक ऑर्गन, जिसमें हेपेटिक यानी लेवर और पेनक्रियाज जो है दोनों फ्यूज़ हो चुके होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गन हम देखते हैं लोअर जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, बल्कि हायर वर्टिब्रेट्स में ये काफ़ी एडवांस और डिस्टिंक्ट और सेपरेट होते हैं और अपनी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये रेफरेंस की बुक्स हैं, आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो बुक दी हुई है ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप लोग इससे काफ़ी सारा मटेरियल पढ़ते हैं। इसके अलावा दो बुक हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।